वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा काम क्रोध आलस्य अभिमान पर निग्रह कैसे किया जाए समझाओ। देखो एक सिद्धांत की बात बताओ, जिनके होने से हमारे दुख होता है ना मिटाना चाहते हैं, और जिनके न होने से दुख होता है उनको मिलाना चाहते हैं, तो इन दोनों में मिटाना चाहते हैं उनके होने का दुख होना चाहिए,
और चीन मिलाना चाहते उसके न होने का दुख होना चाहिए। तो काम क्रोध लोभ आदि बैठे हुए हैं सुख के आश्रित। काम से सुख मिल रहा है, क्रोध से सुख मिल रहा है, आलस्य से सुख मिलता है, अभिमान से सुख मिलता है। वो सुख भोगते जब तक रहोगे तब तक ये बातें भरी करो, पुस्तक पढ़ो, फूटेगा नहीं। ये सिद्धांत की बात है। और जब काम होने से दुख होगा, कामना कोई सी भी दुख हो, किसको दुख होता है कि जिसको विवेक शक्ति है। इस बात गीता ने कहा ज्ञान नृत्य वैरिण काम रूपेण कौन से दुष्पूरी अलवेन छ। इसको ज्ञानी नृत्य वैरिणा, ज्ञानी का नित्य भरी है। ज्ञानी के नाम है विवेकी, विवेकी का नित्य भरी है और अविवेकी का अनित्य भरी है। अनित्यवारी कैसे है कि कामना होती है फिर सुख भोगते हैं तो उस समय मित्र मालूम देता है और उसका परिणाम उसका दुख मालूम देता है, तो अनित्यवारी है। और समझदार विवेकी होता है जब कामना पैदा होती तब दुख होता है, यही का दुख हो गया, ये कैसी आपदा आएगी, कामना क्यों होगी मन में, ये नित्यवारी ना है। तो नित्यवारी होने पर छूट जाएगा और अनित्य वैरी होगा तो नहीं छूटेगा। कितनी बातें करो, कितनी सत्संग सुनाओ, कितनी सुनो और कितनी पुस्तक पढ़ो, कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी डिग्री प्राप्त कर लो, नहीं छूटेगा। एकदम सच्ची बात है। शंका हो तो बोलो। मैंने जो पुस्तकें देखी है, संतों का संग किया है, उनसे जो सार बात मिली है वो कही है मैंने। आपके जैसे तो ध्यान करो नहीं, कोई आग्रह नहीं। बरसों मेरे को व्याख्यान देते हो गया, पीछे ये बात पकड़ में आई, पकड़ में नहीं आई। मैंने अपने आदरणीय पुरुषों से पूछा कि बात क्या है, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, वो जो अच्छे काम है वो करते हैं, फिर भी ये पिंड नहीं छोड़ते, बात क्या है। तो कई तरह का उत्तर दिया कि वायुमंडल ऐसा ही है, बाहर ऐसा ही है, समय ऐसा ही है, युद्ध का समय था वो है, ऐसा है, ऐसे है, एकांतरण वाले से पूछ लेना, ऐसा कर दिया। समझ में नहीं आई बात, हमारा कर्म बैठे में पीछे बात समझ में आई, इसी भवन में ही। तो बातें हुई, तो बातें करते करते सारा है, पुस्तकों पढ़ी, उसे मालूम हुआ कि ये सबके सब दोष सुखा शक्ति के ऊपर लगे हुए हैं। सत्वगुण भी जो अनामय कहा है, पदंग संती अनामयम, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर अनामय होता है, मन निर्विकार होता है, वो पद भी सत्वगुणी है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशगुण अनामयम, वो सतोगुण भी सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख और ज्ञान की आसक्ति सतोगुण बांधता है। ये सुखाशक्ति है, ये बहुत भयंकर दोष है। सुख सबको अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगे जब ये दोष छूटेगा नहीं, न काम है, न क्रोध है, न लोभ, कोई नहीं छूटेगा। क्यों उसे सुख भोग रहे हो, कैसे छूटेगा, सुनना चाहे कैसे। भगत पर इसकी निंदा सुनते हैं, भगत पर परिणाम देखते हैं तो दुख होता है, परंतु इनकी सुख लेते हैं, सुख काम से भी सुख लेते हैं, क्रोध से भी सुख लेते हैं, अभिमान से भी सुख लेते हैं। ये बड़े विद्वान से बड़े समझदार, एक रस आता है।
वो रस उसके ऊपर ये टिके हुए सब सब दोष इसमें टिके हुए। अगर इनको दूर करना चाहते हैं तो ये रस बुद्धि छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं तो छूटेगा नहीं। मेरे खूब देखा हुआ है। दूसरी बात, कोई कहता है भाई विद्वान हो जाए तो ठीक हो जाता है, कोई कहता है कि धनवान हो जाए तो ठीक है, कोई कहता है कुटुंब वाले हो जाए तो ठीक बात है, कोई कहते हैं हमारे आज्ञा पालन करने वाले बहुत हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, हमारे जमीन जायदाद हो गए सुखी हो जाएंगे, मकान बढ़ जाए तो सुखी हो जाएंगे, छोरा छोरी का संबंध हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ये कई बातें, बहुत सी बातें सुखी हो जाएंगे, इन बातों से सुख होता नहीं। ये तो कहोगे होते हैं कई सोलह सोलह शादी भी हो, कई मकान भी बना ले, कई उस जमीन भी मिल गई, कोई कुटुंब भी बढ़ गया, कई इस बार धन भी बढ़ गया, लाखों करोड़ों रुपए भी हो गए, सुखी नहीं हुआ। आप देख लो, मैंने देखो ऐसी चेष्टा की है, आप माने न माने, मैंने देखा है कि धन है, स्त्री है, परिवार है, इसका है, ऐसे मैंने अटकल लगाई है कि मेरे ये नहीं है और इसकी ये है तो मेरे से क्या विलक्षण आई है, ऐसा अटकल लगाई है, मैंने देखा है। कोई बातें ही कहता हूँ सुनते नहीं, ये कभी देखता भी हूँ, बातें सुनते भी हूँ, सुनता भी हूँ। मैंने वो सज्जन ने कहा था आप व्याख्यान सुनिया करो, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुम व्याख्यान देते हो ना तो सुनाने के लिए देते हो, नहीं सुनने के लिए दिया करो, खुद सुनिया करो, व्याख्यान देते हो सुनो, खुद अपने लिए सुनो तो बड़ा लाभ होता, अपने लिए सुनने बड़ा लाभ होता, दूसरों के सुनाने से अभिमान आता, दूसरे में अवगुण दिखते, कमी दिखती है, अपने में श्रेष्ठता उत्तमता दिखती है। और संस्कृति मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोक लारे शोक कोई नहीं बचे, दुख नहीं बचे, ऐसा अभिमान है तो वो अभिमान आता है। अगर आप सत्संग सुने तो लाभ होता है, तो सुनना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो सुधार कैसे हो कि व्याख्यान देने वाले सुने और सुनने वाले भी सुने, और सुने इस नियत से ऐसे अब काम करना है, पढ़े भी इस नियत से इस तरह से अपना जीवन बनाना है, ऐसा निर्मल हमारे जीवन लेना है, बनाना है, हमें तो करना है, मुझे माने से न माने हमें तो करना है। सुबह बताया था जैसे अपना एक निश्चय कर ले, तेरे भागे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, दूसरों के सुधार के लिए कहे तो उसमें भी ये रखे कि मेरा सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ गलती है, ये सब विचार करे। सुनने वाले भाई बहन भी ये सोचे कि ये बातें कहाँ तक हमारे में घटती है, ठीक करे से कुसंग न करे। सत्संग में कुसंग होता है, सत्संग में कुसंग, सत्संग में कहते ये अवगुण तो अमुक में है, ये गुण तो मेरे में है, ये तो इन वास्ते कह रहे हैं, ये तो इन वास्ते कह रहे हैं, ये कुसंग है, ये मेरे को कह रहे हैं, औलाना दे रहे हैं, बस मेरे करते हैं। अच्छी से अच्छी बातें सुनाओ सब हो जाती। पार्श भाग में आया है कि एक रोग होता है, खबर उल्टी हो जाए, खबर उल्टी हो जाए, जो उल्टी हो जाती है उनको सत्संग करते उल्टी होती है, सत्संग करे उल्टी हो जाए, उल्टा पर ब्रह्म समझेंगे ये तो इस वास्ते गए, इस स्वार्थ वास्ते गए, ये अपने मतलब के लिए गए, अपने पक्षपात के लिए गए, अपनी टोली बनाने के लिए गए, अपना सेला बनाने के लिए गए, अपने पक्ष को बनाने के लिए गए, दूसरों को निंदा करे इस वास्ते।
ये सत्संग में कुसंग है, तो सदा कैसे हो बताओ? सत्संग में भी कुसंग, कुसंग में कुसंग, राधा नीति में कुसंग, कुसंग निरंतर सत्संग होता ही नहीं कभी। सत्संग में भी कुसंग, कुसंग में भी कुसंग, सामान्य अवस्था में कुसंग, कैसे सुधारो? सत्संग से सुधार होता है, पर सत्संग करे तो सत्संग में भी कुसंग करे। कलकत्ते में एक बार मैंने कह दिया कि सुख में भी दुख और दुख में भी दुख देखना चाहिए। तो बड़े अच्छा काम करने वाले, व्याख्यान देने वाले भी पूछेंगे ये क्या नई बात, सुख में दुख कैसे देखे? कि ये सुख क्यों हुआ, ये आदर का सुख क्यों हुआ, ये प्रशंसा का दुख सुख क्यों हुआ, ये अनुकूलता मिलने से सुख क्यों हुआ, इससे दुख होना चाहिए कि राम राम, ये सुख क्यों हुआ, राजी क्यों हो गया? ऐसे सुख का भी दुख हो और दुख का भी दुख हो, दुख हो इससे दुख क्यों हुआ? मेरा कहना तुम मानते नहीं, तो तुम कहना नहीं मानते तो तुम नहीं मानो तो तुम्हारे हानि होगी, हमारे क्या हानि होगा? दुख में इनको खराब मानने से हमारे दुख क्यों हुआ? ये नहीं सुनते तो दुख क्यों हुआ? कि हम अपना अभिमान चाहते हैं तो दुख का भी दुख हो, दुख द्वंदे विमुखता सुख दुख संगी, सुख दुख दोनों से रहित होना है। फिर दुख से दुखी होते दुख कैसे हुआ? तो सुख से भी दुखी, दुख से ही दुखी, तो सुखी हो जाओगे बिल्कुल। ये ऐसी अटकल है। तो स्वभाव कैसे सुधरे? कि स्वभाव से सुधरे, अपने स्वभाव के ऊपर पीछे पड़ जाए तो सुधरेगा नहीं। तो भाई स्वभाव नहीं सुधरे, सत्संग में कुसंग करेंगे, कुसंग में कुसंग करेंगे, साधारण कुसंग करेंगे, बातों में कुसंग करेंगे, कुछ संग का जड़ता का महाराज महत्व देते चले जाएंगे। सुरकरण जड़ चेतन विवेक, उसमें जड़ को ही महत्व, जड़ को दूर 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 गुरुसारों को काम करो दूर हो। अच्छे से अच्छा आदमी कोई बोले तो कहते ये पक्षपात करता है। कलकत्ते की बात है बहुत पुरानी, किसी ने कहा कि जो खजर पहननी चाहिए, तो उसका ताऊ कहता है कि खजर की दुकान है क्या इसकी, इसकी खजर की दुकान है क्या? मारी दुकान है, इस वास्ते कहता खजर पहनो मारी बिक्री में। वो जाते ही नहीं, अंग्रेज गुण की तरफ जाते ही नहीं। खजर की दुकान है, इस वास्ते कहे खजर पहनो। हम कोई बात कहे तो समझ लीजिए बात, इस वास्ते ही कहते हैं। कुसंग करना पर तो सत्संग में सत्संग कुसंग करना, कुसंग में कुसंग करना, कुसंग करने पर कमर कस ली, अब क्या करे? मैं तो हंसी हैरान हो जाता हूँ, बैठा हूँ केवल सेठ जी के कारण से, नहीं तो रहने की जगह नहीं है। टुकड़ा मांग लिया खा लिया, पड़े रहे कहीं एकांत में। जनहरिया संसार से बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो चाहे सुख, चुप रहिए हरि सिमरिए। सो उपदेश है जगत को कुछ रहने की चाह, दरिया गैली जगत से बक बक मरे बला है। गैली जगत क्यों बक माने, कुछ है नहीं सुना है, गैली दुनिया है। दुनिया है भोली है भोली, राम नाम से राज मलस है, परगस खेले होली। खराब खराब वो है, राम नाम राज है, खराब वो तो राज को नहीं, इन लोगों को भाई बंधु सुने, देव जेठ सुने, ससुर सुने, खराब खराब बोल वो भी सब शर्म नहीं है। राम राम माला दे शर्म बताओ, अब क्या करें? स्वभाव सुधरे तभी जो स्वभाव आपको बुरा स्वभाव बुरा लगे,
तब सुधरेगा। बुरा स्वभाव अच्छा लगता है वो कैसे सुधरे? अधर्मम धर्मितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि से। अच्छी बात कहो तो उल्टी, उल्टी बात को भी उल्टी, सुल्टी को भी तो उल्टी, उल्टी की तरफ ही लगा है। हमें तो कहते सुल्टी का तो सुल्टी, उल्टी का तो सुल्टी की तरफ चलो, आपका जीवन सुधर जाएगा। एक बार तो ये है बस सुधार की बात। तो अपना सुधार करो, खान पान शुद्ध रखो, याद से भक्षे चानम बुद्धि भवति तादृशी दीपक तिमर वस्नाति कज्जलन से पशु। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। रात्रि में दीपक अंधेरे को खा जाता है तो काजल पैदा होता है, खबर जैसी पैदा होती है। जैसा भक्षे वैसे भक्षण करे वैसे ही हुई। तो बुरी बुरी चीजों खाते आज, बुरी बुरी चीजों, पान मसाला, शराब, भांग, ऐसी नशीली वस्तुएं, नशीली गोलियां, नशीला चूर्ण, वे बड़ा अच्छा लगे। सत्संग करने वाले भाई बहन भी इनको नहीं छोड़ते। मजा मान साबित को कम है, पर नशीली चीजों के तो पीछे नहीं, उसे पीछे पड़े, अच्छा लगे, बढ़िया लगे। रसगुल्ला लाएंगे तो बंगली की दुकान में बढ़िया मिलता है, क्योंकि उसमें मुर्गी के अंडे का पानी दिया जाता है, इसमें तो बस ही बढ़िया होता है। उसे मांस लाएंगे दुकान से नहीं। ऐसी बात है, मैंने सुनी है, ऐसे बर्ताव हुआ है, होता है। ये बात नहीं कि अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है। रहो नाम आचार को कल कर, केवल कैरी नमा है, कैरी का आचार है, नींबू का है, मिर्चों का आचार है। आचार तो ही में रह गया, सोचा था सदस्य में। और पवित्रता एक पवित्र एकादशी आती, उसमें पवित्रता है, और पवित्रता रही रही, आदर्शा हो रही। अब कैसे सुधार हो? नशीला चूर्ण खाते, नशीली गोलियां चाहते, नशीला पान मसाला खाते जिसमें नशा आवे, वो ही बढ़िया लगता है। चाय पीना अच्छा लगा, थोड़ा नशा आ गया। अफीम है वो, पहले लोग अफीम खाते थे, मैंने देखा हुआ है। अब ऐसी चीजें खाते जो भाई बना सगाई उसे पीछे पड़ा हुआ, वो ही खाएंगे। महान खराबी है। मैंने सुनी कि सिगरेटों पर, उन मुसलमानों पर सरकार ने कह दिया है कि ये खराब करने वाली है, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली, लिख दो। लिख दिया तो देख रहे अंधे और खा रहे, लिख दे तो ये छोड़ते नहीं। एक बात सुनी कि वो देश है ना एक जिसमें जनता ज्यादा है, चीन, चीन में कहते हैं कि नशीली चीज को व्यापार कर सकते, फांसी डाल दे, फांसी दे दे नशीली चीजें बिक्री करने वाले को। कल ही सुनिए बता, वहां एक कायदा है, अरे सरकार लिख देता है कि ये नुकसान करने वाली चीज है, अच्छी नहीं है। सिगरेट लिख देगी नुकसान करने वाली है, कैंसर होगा, इसी बात होगी। पान मसाला खाते हैं उनके कैंसर होता है, धूम्रपान करते हैं उनके कैंसर होता है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो जल्दी दूर होती नहीं, मरना ही पड़ता है। डब्बा का डब्बा खा दिया वो लोग, राम 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 राम। हमें ये बहन अभी छोड़ती नहीं, छोड़ देते ऐसा काम छोड़ देंगे, ऐसा संग छोड़ देंगे, वो तो छोड़ देंगे पर बुराई नहीं छोड़ेंगे। क्या उपाय करें? आप लोग कृपा करो, ये बहना बच जाए तो छोरा छोरी बच जाए,
फिर ऐप बिगड़ जाए, स्वास बिगड़े दुनिया बिगड़ जाएगी, सृष्टि बिगड़ जाएगी, हमारी सोरासोरी बिगड़ जाए तो सुधार कैसे होगा बताओ। जब सोरासोरी वैसे दुनिया होगी, सब इस समाज में ही तो आवेंगे, छोटा छोरा छोरी है वही तो सभा सभ्य आदि मन सभा मारे आएंगे। हमें छोटे छोटे ही थे, सब छोटे छोटे से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं सभी बड़े नहीं बनते, बन बड़े होते हैं सभी छोटे होते हैं, छोटे से बनते, छोटे छोटे सब अच्छे हो जाए ये नहीं है, पर बड़े बड़े होते हुए छोटे ही थे पहले, सबके सब छोटे, छोटे में सुधार हो जाए तो सब सुधर जाए, छोटे सुधार इनकी गोदी में सुधर तो इनके स्वभाव में गुजर जाए, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ही है इनको होता है। अब ये सोलह ने खुद को चाह पाया, छोटे छोटे बच्चों को अमल दे देते हैं कि टट्टी फिरता है थोड़ा अमल दे, थोड़ा सा अन्न खावे थे कुछ ऊपर थोड़ा सा, थोड़ा सा अमल अपने टट्टी फिरता अपने सुख सुविधा अपने सुख सुविधा के लिए संतान बिगाड़ते थे। और वे महाराज बचपन से ठेर से पड़ा हुआ व्यसन वो छूटेगा नहीं, वो ठीक से बैठ जाता है। अब बाल को सुधार कैसे हो, क्या करे, एक कहावत है कि बामन क्या छूटे बैल बैस छूटे, बैल बैस है और क्या करे बैल, ऐसे कहने वाला कह दे और क्या करे। आप सुनो तो कृपा करो तो हो जाए सुधार, नहीं करो तो लाचार ही करे क्या, हम तो कह तो देंगे भाई सुना देंगे, पर सुनने पर आप मानोगे तो आपके लाभ मेरे लाभ तीनों के लाभ होगा, आपके लाभ होगा मेरे लाभ होगा और सुनने वाले दूसरे उनको लाभ होगा। अब नहीं मानो तो आपके लाभ नहीं मेरे लाभ नहीं, जिसमें मेरे तो मैं नियत अच्छी सुख तो मेरे हानि नहीं होगी, पर आपके तो अच्छा नहीं होगी, आप मानोगे तो अच्छा होगा, आपको बुराई मानोगे सत्संग कुसंग करोगे दोषारोपण करोगे तो समझे इस वास्ते कैसे है। इसे खबर की दुकान है लेकिन कुछ को मतलब है, इनके पक्षपात है, एक दूसरे इनको सुहाता नहीं, कुत्ते ने कुत्तों नहीं सुहाओ, भक्ता ने भक्ता सुहाओ बोले, कोई दूसरे भक्ता वाले सुहाओ इस वास्तव करे ये रिशेष करे। हम बोलो भक्ता ने भक्ता वो नहीं सुहाओ जो भेड़ लेता है, भेड़ नहीं लेकर भक्ता कितना ही बारिश गई हुई हो हमारे क्या हुआ, भेंट लेवे तो बहुत सा सुनने जाओ वहां भेंट कर दोगे हमारी भेंट पूजन कम आ जाएगी, तो भेंट पूजा कठे सुनो कोई सुनो की सब कठे जाओ बताए क्या उसमें पूजा लेते हैं भेंट लेते हैं कुछ स्वार्थ है, के स्वार्थ यही है कि मेरी बात सुने मेरे ज्यादा आदमी सुने, ये तो रहता है भाई हमारे ही रहता है सच ठीक नहीं है। विष्णु सो बात रहे उन्हें जावरा दिया, अपने बात अच्छी लगती है अपना पक्ष अच्छा लगता है अपना सिद्धांत अच्छा, निज कविता के लागन नहीं की सरस हुए अथवा उठी की, सिंह सांप आदि दुष्ट जंतुओं से लेकर भगवान तक एक ही बात है मेरी बात माने, दुष्ट जंतु भी चाहते कि मेरे कब्जे में रहे, मनुष्य भी चाहते मेरे बने पापी हो दुराचारी उसके बने में भला आदमी हो उसके बने मेरा कहना माने, और साधक मेरा कहना माने, और संत महासवान जीवन मुक्त है वे भी कहते मेरा कहना माने, और भगवान की चाहते मेरा कहना माने, कोई भांग पड़ी है अब क्या करें बताओ कहाँ रोए, ये भगवान कह रहे मेरे मत का अनुष्ठान जाएगा मेरे मत का अनुष्ठान करे सभी, यही क्यों
दुष्टों के, सज्जनों के, संतों के, महात्माओं के, भगवान के, सब ही एक पार्टी पड़े हुए हैं। उसमें फर्क है, थोड़ा सा थोड़ा फर्क है। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, ये दूसरों का हित हो जाए इस वास्ते ये है कि मेरी बात माने, और दूसरे मेरे हित हो जाए कि मेरी बात माने, इतना फर्क है। परंतु मेरी बात माने इनमें तो एक मार्ग नहीं है सका। अब कहूं मैं कहूं मेरी बात माने, दूसरा कहते मेरी बात माने, अब सुनना वाला बेचारा क्या करे, बड़ी मुश्किल होती है उनकी। मेरा तो काम पड़ा है तो मैंने ऐसे किया है कि वे किस वक्त में बोला है अपन उस वक्त में नहीं, उस वक्त के सिवाय बोलो जो सुनना चाहते, यहां भी आ जाए वहां भी चले जाए, एक साथ में बोले तो उसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनकी। अब क्या करें, एक बस एक ही साथ ही बोले, हम इनकी सुने उनकी सुने, ऐसे कैसे तन लग जाएगी, क्या करें। तो मैंने ऐसे नहीं रखी, उनके व्याख्यान कब होता है, उनसे घंटा रहने के पहले अथवा पीछे अपना ऐसे समय रखो, जान कर रखा है ऐसा। अब उस जान कर में ये भी बात हो जाए कि ऐसा रखो तो हमारे ज्यादा अगर साथ करें तो हमारे श्रोता वहां चल जाए तो हमारे श्रोता कम हो जाए, इस नीयत से ही होता है। जो की बात सुनना चाहे तो अब सुना में भाई अच्छी बात, अगर सुनाता है वो अच्छी से अच्छी सुना चाहे, रुपयों के लिए सुनाएगा तो भी बात अच्छी सुनाएगा, बुरी क्यों सुनाएगा, क्योंकि अपनी इज्जत सब चाहते हैं, इज्जत तो अच्छी बात से होती है। तो क्या करें, कैसे करें, नशी चीज हम साथ नहीं, जर्दा छोड़ते नहीं, पान छोड़ते नहीं, पान मसाला छोड़ते नहीं, बीड़ी छोड़ते नहीं, चाय छोड़ते नहीं, चाय में चाय का मसाला भी नहीं आ रहा, पान में पान का मसाला नहीं आ रहा, वो मसाला जब भी अपने साथ में रखेंगे पान आए तो उसमें डालकर खाएंगे। तो मरना है जल्दी से जल्दी, बीमार होना है, ये चीज ऐसा कर रहे हैं, समझते हैं, जानते हैं। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ लात, कर दी पर कुए पड़े, कुड़म पड़े, जान कर सब है, सुना दो क्या, हम जानते हैं सब, सब जानते हैं। एक आदमी था साथ में था नौकर, तो उसने कहा कि घोड़ा मेरा बंधा है और सामान पड़ा है तो निगाह रखना, नौकर कह दिया कह निगाह रखो, तो जागता रहा निगाह रखी, घोड़ा ले गया चोर, निगाह रखी सा चोर आया, उसने काठी गई ऊपर बजाड़ी बांधी और फिर चढ़ करके चला गया, निगाह रखी मैंने, मैंने निगाह रखनी क्या आपने, निगाह रखनी चाहिए। तो निगरानी का यार से आपने कहा निगरानी रखी, नौकरों मालिक ने कह दिया निगरानी रखनी है, सब ठीक देखते रहना। अब बात अब क्या करें बताओ, जड़ जाओ जल्दी, मारी करो मानो, वो कहते मारो मानो, वो कहते मारो मानो। एक छोरों की कहानी आती है, गुड़ गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी महाराज, ये पृथ्वी में से मेरे खा जावे, आकाश में पक्षी खा जावे, जल में जल जंतु खा जावे, चींटियां छोटी छोटी में खा जाए, बड़े बड़े गाय और गोदार ये खा जाए, जहां जाऊं वहां मेरे खा जाए, मेरा पिंड कैसे छूटे बड़ा उपाय। ब्रह्मा जी को मन तो मेरे ही चले, कट जाए खाऊ 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 कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है भाई, ऐसी मुश्किल में से मैं गुजरा हूं, मैंने उम्र गुजारी है सिद्धांत तरह तरह के, हो गए और सिद्धांत ठीक, वो गए और ठीक है, एक एक का खंडन
गीता पर एक टीका के दूसरे टीका दूसरे टीका आपस में, अब क्या करें, अब कौन सा ठीक है पता नहीं रहता। अनजान आदमी क्या करे, किसकी बात माने। आसाम में गए तो माजरा वहां गांव है माजरा, तो सुबह गए सुबह सत्संग कराते थे, सुबह ठंडा पक से था सत्संग कराते थे। तो मैंने कहा कि भाई बड़ों के चरणों में नमस्कार करना। तो एक आदमी बोला अभी थोड़ा दिन में द्वारकाल जी आए थे, उसको किसी नमस्कार के लिए धक्का दिया उसको, कहे भारत वर्ष इसी से ही डूब गया, इससे इसका पतन हुआ है, जो पका पड़ते हैं ये गुलाम होते हैं, ये गुलाम नहीं चाहिए हमें, धक्का दिया गाड़ा से नहीं, तो नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो जवाहरलाल जी का माने आपका माने किसका माने, मेरे से प्रश्न किया। वे तो कहते नमस्कार नहीं करना चाहिए, थे को नमस्कार करना चाहिए। तो हम तो वो आदमी थाने भी सुनो उनकी सुनो, हम करे किसका कहना, ये प्रश्न किया मेरे से। तो मैंने कहा आप शास्त्र की बात सुनो, ना मेरी सुनो न जवाहरलाल जी की, हमारी व्यक्तियों की बात मत सुनो। शास्त्र कहता है, कहते इससे ही परवश हुआ शास्त्र संसार। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके बीसों पर 43वां अध्याय है, मैं ठीक कहता हूँ देख रहा हूँ, उसमें आया है युधिष्ठिर महाराज और चारों भाई 5000 भीष्म जी को प्रणाम किया, दुर्योधन ने नहीं किया युधिष्ठिर से प्रणाम, वो ऐसे नहीं आया, ये उधर जाकर प्रणाम किया, जय हो तेरी जय हो, युधिष्ठिर से किया, ये भीष्म जी से किया, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, सर्व से, सबसे मामा थे सर, इनको नमस्कार करके आए युधिष्ठिर महाराज, तो विजय युधिष्ठिर की हुई। सास नहीं कहता है भाई हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारी हम कहते हैं हमारी बात मत मानो, द्वारकाल जी भी मानो, पर सास कहे तो मेरी उन दोनों को मत मानो, सास की मानो, ये फैसला दिया मैंने, क्या करूं बताओ। तो इन लोगों की बड़ी आफत हो जाती है कि ये माने वो माने, आपस में पड़े विरोध, तो किसी माने तो दोनों मत मानो, छोड़ो ये नतीजा होगा। अब कौन जंजाल में पड़े, क्यों पड़े, मानो तो। एक ने कहा कि हमारा चेला बन जा, किसी की मत सुनना, किसी की मैं हमारा चेला हो गया, अब कोई बात कहे, संत कहे, महात्मा कहे, पंडित कहे, कथावाचक कहे, वो किसी की मत सुनना। ज्यादा जोर दिया क्यों, एक निष्ठ हो जाओ, सब एक ही सुनो, मेरी सुनो, और भी नहीं सुनना, अरे हाथ में पड़ जाओ और प्रतिज्ञा करो और किसी नहीं सुनूंगा। तो उसने हाथ में पानी दिया, आज पीछे तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगा। अरे ये क्या करता है कि थाने एक ने राजी करने से कितना ना नाराज करना पड़े, यार से एक नाराज राजी हो जाए तो नफा किसमें। आप एक राजी होंगे कितना नाराज हो गया सुनने, अब सब खुले हो गए, एक आपके सिवाय सब खुले हो गए, और तो ये मत अच्छा लगा, ऐसे क्या करे, हम कहें तो लोग ऐसे कहने लग जाओ, क्या करो, कोई बचार हमारे समझ बना ले। माँ है, बाप है, बड़े पूज्य आदरणीय है, ब्राह्मण है, गऊ है, सूर्य भगवान, इनको नमस्कार करो। आरोग्यम भास्कराधिच्छेद, रोजाना सूर्य प्रणाम करे तो शरीर निरोग रहेगा, रोगी नहीं होगा। सूर्य भगवान दर्शन करे, सूर्य दर्शन नमस्कार करके भोजन करे, आरोग्य में भास्कर आदिशी जल चढ़ावे सूर्य भगवान तो निरोग होगा। जहां सूरज की घाम पड़ती वहां खराब किसानों गंदे कटारों सब नष्ट हो जाते हैं, वाहन सब खा जाते हैं, फूलों के सुगंध को मैं रस ले मेले में विस्तार में से मुझे रस खेच लेता है,
रवि पावक सुरसरी की नहीं, समर्थ वो नहीं दोष गुरसाई, समर्थ को दोष नहीं है। समर्थ किसका नाम? धनी आदमी है समर्थ ऐसा, ये महात्मा जी है कथावाचक है समर्थ ऐसा, समर्थ का ये अर्थ नहीं है। इसकी बात घना आदमी सुनते समर्थ है, बलवान है ये समर्थ है, धनवान है ये समर्थ है, राजा ऐसा समर्थ है, मिनिस्टर ये समर्थ है, ये अर्थ नहीं है समर्थ का। समर्थ का अर्थ ये है अवगुणों को मिटा करके गुण प्रकट कर दे, सामर्थ्य दुर्गुणों को मिटाने की। रवि पावक सुरसरी, रवि है जो गंदगी मिटाकर साफ कर देते, अग्नि में चाव जो डालकर भस्म कर देगा, नदी में गंदगी ना पड़े सबको साफ कर दे, गंगा जल बन जाए। तो समर्थ नाम है अशुद्ध को शुद्ध बना दे, मैले को निर्मल बना दे, अवगुण वाले को अवगुण रहित कर दे, उसका नाम समर्थ है, उसको दोष नहीं लगता। अब सूर्य को दोष लगा कि मैदा ही सुखा दे, पेशाब भी सुखा दे, सब सूर्य खेच देता है, खराब है, कोई नहीं कहता। ऐसे अग्नि में सब जल जाते, मुर्दा ही जल जाते, और बड़ी बड़ी आहुतियां होती है, जौ चलो जौ तिल ये भरा घी खोपरा सब आहुति दे उसको खा जाते, और मुर्दे को भी जला दे। तो कहता है अशुद्ध है अग्नि, अग्नि अशुद्ध कैसे हुई? वो अशुद्ध खाने वाली अशुद्ध होती है, मुर्दे की अग्नि अशुद्ध होती, मुर्दा जलाया वहां कांगार नहीं देते, ऐसी बात है। परंतु ये अग्नि अशुद्ध कैसे हो जाएगी? तो समर्थ है, समर्थ का अर्थ ये कि दूसरे के अवगुणों को दूर कर दे, शुद्ध बना दे, निर्मल बना दे, उसको दोष कैसे लगे? वो तो दोष दूर करता है, निर्मल बनाता है, वो समर्थ है। तो वो समर्थ नहीं है, पैसा पास में समर्थ हो गया, मिनिस्टर हो गया समर्थ हो गया, जमराज के कीड़े बनेंगे ये, खाए खाए घी ये दूध और शकरा भड़ा बड़ा जमराज का बकरा। कसाई बकरों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, खरीदने जाते हैं, सही हम रहते हैं, क्यों वो देखते हैं कि मांस की चाह है, फिर वो खरीदते हैं बकरों को, देख देख कर मेंढा है बकरा है गेटा है उसको संभालते हैं, संभाल के मांस ज्यादा होता है, ये बात है। तो मांस बजा है तो अगर भला बना जमराज का बकरा, मैं समझा था बकरा बढ़ रही बकरो बोल रहे थे मार खा जैसे, ये बात वो खा जैसे क्या कि उन्नति हुई है नहीं, बकरा था वो मुसलमान बन गया, मुसलमान ने खा दिया तो उन्नति हो गई उसकी, ये था बकरा अब बन गया मुसलमान तो ऊंचा बन गया ना, पवित्र नापाक था अपाक हो गया, शुद्ध हो गया, ये पवित्र बन गया सब। हाँ पवित्र बनाने के लिए खाते हैं, नीचे से ऊंचा हो गया, बकरे जुड़िया मिनक हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं, ये बात है। मैंने कई बातें सुनी है, कई दिन हो गया ना जीते जीते कई दिन हो गया बातें सुनी, दूसरे को सुनो और सुनो मेरे काम थे, यही हमारा पैसो है, इनसे रोटी खाऊ अपना पैसा है सही। तो बहुत बातें सुनी हमने, बहुत सुनाई है, कई तरह की बातें सुनाई, कई तरह की सुनाई है, कि करो पाप तो खाओ धाप, करो धर्म तो फूटे कर्म, और क्या करोगे? कर्म फूटे जैसे करोगे, और करो पाप तो खावे धाप, मौत से मस्ती से। ऐसी ऐसी कविता, ऐसे ऐसे कहावता, ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाते हैं। अब आदमी क्या करे सुनने वाला, मेरा तो बड़ी आफत होती थी, मैंने कई पुस्तक पढ़ी है, कई सिद्धांत देखे हैं,
मेरे जैसी आफत आप लोगों ने शायद ही किसी ने भोगी हो। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, समय लगाया है, परीक्षा दी है, वर्ष लगाए हैं, अध्ययन किया है, मेहनत की है, एक दूसरे सिद्धांत मिला, एक दोनों को हुआ संघर्ष, ये तो ऐसा करते वे ऐसा करते ऐसा करते, वे दिन याद है मेरे को। हलचल होती है मन में, बिगड़ना होता है तो घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, ऐसा बिगड़ना हुआ है सिद्धांतों को लेकर के, तरह तरह के सिद्धांत और इसलिए संत मत कुछ और ही कहते हैं, वेदांत कुछ और ही कहता है, न्याय और ही कहता है, वैशेषिक और ही कहता है, सांख्य और ही कहता है, अब क्या करें। मेरी पढ़ाई की हुई पुस्तकों पढ़ी अच्छी तरह से, आज तो वो लोग कहते हैं स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है, तो अपने पढ़े नहीं लिखने में अच्छा है, पढ़े लिखे माने ठीक नहीं, धनी आदमी माने दूजा तो चोर आवेगा, जेब कतरने वाला आएगा, डाकू आवेगा, कंगला है तो कोई नहीं आवेगा, तो इस बार स्वामी जानकार को नहीं अनजान है, बहुत अच्छी बात है, घनी आदमी छुट्टी मिल जाएगी मेरे तो, बहुत अच्छी बात समझे को समझ, बातें कहते हैं समझते नहीं, बहुत बढ़िया समझ, बेसमझी बड़ी बढ़िया है, समझे। हे दरिद्र तेरी कृपा शुद्ध भयो में सु, हे दरिद्रता तारी कृपा से मैं तो शुद्ध हो गया, मैं देखूं सब नरन को मोहन देखे कोई, मेरे कोई नहीं देखता, मैं सबको देखता हूँ, ये दरिद्र महाराज की कृपा, धनी हो जाएगा बड़ो बन जाओ सब देखिए, पर बड़ो बने नहीं, बड़ो तली से तेल भी जो बड़ो बने, अथवा दूब है एलिया है मेहंदी के बड़े बड़े कथा नहीं चले उसे, नीचे नीचे फैले कोई सूझ नहीं करेंगे, ठीक तरह से रह दिया है ऊंचो बड़ी कसर, तो बड़े में ये दशा होती है, आप बताती है छोटे मौज करे छोरा होते हैं घाटा लगो और मुनाफा हो गए तो मौज करे, ए बड़ोड़ा जी की तरह करे घाटा हो गया, ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, बच्चों का कभी घटा होता ही नहीं, कहने से मौज होगी मिल जाती है, जीव बेसमझ के बड़ा आनंद रहता है, और समझदारी है हमारी पूछ मोन से थे पूछ लगा देता रहे लोग हमारे पूछते ही नहीं, हमारे कोई मानते ही नहीं, बड़ी सौखी बात है, भाग्यशाली है, घने मान्यता में फायदा नहीं है, परंतु हम तो यही काम करते हैं, क्या करें, दूसरों को तो कहें ऐसा और अपने करें कैसे, कि जो ज्यादा लोग जान जाए जो करे, तो लोग समझे देखो पर उपदेश कुशल को तेरे जे आसन कर, बात तो ऐसी ऐसी बगाड़े और काम ऐसा ऐसा करे, बोलो अब क्या करे, तो क्या क्या करो, कहना छोड़ दो, कहना छोड़ने मन में तो आती है कभी कभी, परंतु ये कहना चाहता मेरा सवाल डाल दिया सेठ जी ने, सेठ जी के पास आया तो मैं आज सेठ जी गाना बजाना व्याख्यान देना उनको कथा सुनाना इस बात से थाप कर आया हूँ, तृप्त हो गए मेरे कहने के मन में नहीं रही है, खूब कर कर दी मैंने, मैंने कर कथा दी, कथा कर ली, सप्ताह कर ली, कीर्तन करा दिया, पद गा दिए, पेटी बजा ली, दुखड़ा बजा लिया, सब कर दिया, तो अपने मन ही काट दिया, अब मेरे कहने मन में नहीं कहो, ये साधन है, कहना ये साधन है, तो साधन करने वास आया मैं शेर जी के पास, अरे उन्होंने बता दिया कहो अब क्या करो बताओ, अब बात होगी, हम तो फंस गए आप फंस में, आप तो मत फंसो भाई, थे तो राजी खुशी रहो, पर तो मेरा फायदा हुआ, गीता याद करी तो थे लोगों से याद करी, हाँ लोग सुनते रहे ना, अब गीता कहनी पड़ी क्या करें, तो याद हो गई, अर्थ याद हो गए, व्याख्यान दे व्याख्यान याद हो गई, की बातें याद हो गई, हमारा लाभ हुआ है, और है खोटा व्यसन खराब,
सबसे नीचा काम व्याख्यान देने का है, सबसे ऊंचा काम मलमूत्र उठाने का है, रूचियों साफ करने का है, ऊंचा काम झाड़ू देने का, व्याख्यान देने का सबसे नीचा काम। क्यों? ये दूसरों को नीचा अपने ऊंचा समझता है, तुम्हारे में योग तुम्हारे में ये गलती, तुम्हें गलती ये तुम्हें गलती, गलती नहीं गलतियां देखता है, तो नीचा काम है वो मेरा साफ करता है बेचारा। मैं समझता हूँ उस बाजार के छोर से निकले वहां तक अपना मेला पड़ा घर पड़े भले भर टोकरी भर देता हूँ, वो साफ करता है गड़े हो और ये गड़े हो मेला करते है। तो भी हम तो कहते हैं भाई भिणिया मांगे भीख अण भिणिया घोड़ा सड़े, आई गुरु ने सी भाई बंद भिणजो मसी। ते बड़ों का कहना मानो, आज्ञा मानो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, आप आपस में चर्चा करो, उसमें दोष नहीं उसमें फायदा होता है। वक्ता बने वो गुरु बनकर कहने उसमें खराबी आती है, गुरु नहीं बने अपनी बातों के जो कहे वे अच्छी बातें उपज दी, इस बात चर्चा करे। सनकादि के चारों भाई बरोबर, एक वक्ता बैठ जाए तीन श्रोता बढ़ जाते, तो कथा करते हैं आप, कथा काम करते हैं, समझे? आशा बसन बसन तीन ही आशा बसन साब रंग धरंग जात धूप धर, जैसे माया से पैदा हो वैसे ही कोई कपड़े जागा ही नहीं कर्ज नहीं का भी आशा बसन बने बसन नितिन बसन ऐसा ही है कथा होगा सुनते ये बसन है आशा बसन अरे बसन देते नहीं जहाँ करते वो तहा सोने नहीं तो आपस में करो तीन बार जाए सोलह एक बज जाए वक्ता और कौन छोटा और कौन बड़ा सब चालू करो सुनते कथा करते सुनते आपस ऐसी कथा आई है भागवत आई है वेद स्तुति आई है। तो ऐसे गुरु लागो बड़ा है पूजनीय है उनका आदर करो आज्ञा मानो उनकी प्रसन्नता लो, माता पिता गुरुजन की प्रसन्नता लो, वे जितने प्रसन्न होंगे उतना आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद स्वतः आपकी उन्नति होगी, बड़ों की कृपा से बहुत फायदा होता है। ये तो मैं भी जानता हूँ कुछ बड़ों की कृपा से बहुत फायदा, बड़ों की कृपा है, वे कह देते हैं ना ठीक, वो उसके ऊपर जिम्मा नहीं रहती, आप बाबा जी बनकर करता है तो बड़ी मुश्किल होती है, फिर वो सब आफत उसके आ जाती, तो हम जैसे बनते नहीं भाई, कहीं फिर आ जाती मन में तो आप क्षमा कर देना माफ कर देना और क्या करें और क्या हो है? पैसा ऐसा ही है, इसमें ऐसे ही होता है, क्या करो आपसे आफत हो, हम बड़े ज्ञानी हम बड़े समझदार, अरे हम तो और अभिमान करते हैं, पूछो आओ पूछो, हरेक नहीं कहता ऐसा, ये अभिमानी की भाषा है, अरे कथा करने वाला व्यास कोई भी पूछो ऐसा नहीं कहते, सभा में पूछ ले नहीं आवे तो मारे जो लाज नहीं है कोई शर्म नहीं मुंह सही नहीं क्या जाओगे मुंह सुबह तो जाओगे करिए बताओ हम जानते नहीं भाई हजारा आदमी में ऐसा कहने में लज्जा नहीं होती मैं शर्म को हुई नहीं कि ये बात बताओ ऐसा हम जानते नहीं भाई क्या हुआ क्या हुआ इसमें अज्ञानम पुरुषस्ते शाम भाति कक्षा पास कहीं ना कहीं अज्ञान अगर ही रहता है इसको तो हम नहीं जानते ऐसा कहना पड़ेगा सरसास्त्री पंडित हो उसको कह जूती बना दो एक कांसली बना दो बना देगा फिर तो नहीं आते नहीं बनाना आते ही नहीं तो नहीं होगा ना अज्ञान तो रहेगा इस वजह से अपने अज्ञान में पहले स्वीकार कर रहे हो मैं तो ज्यादा जानते ही नहीं भाई थोड़ी जानते जो चर्चा कर रहे थे थोड़ा जानते थोड़ी बात कैसे बातें घड़ी को बोले पर जानते थोड़ा है
थोड़ा जाने उसको जानना पड़ेगा, और पहले जानकार बढ़ जाएगा तो जानकारी फिर बंद हो जाएगी। कैसे बढ़े? भरिया हुआ घड़ा में पानी का कहाँ समावे। हम तो बड़े पंडित है, समझदार है, बस जयराम जी आगे जानना तो बंद हो जाएगा। खुद जाएगा भाई कम जानते हैं, तो मैं तो सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, लोगों की बातें सीखता हूँ, दृष्टान घर देता हूँ, वैसे ही बात कर देता हूँ। तो माँ बाप की आज्ञा मानो, उनका कहना करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। चरणों में गिरने से नीचे जो स्थिर है नीचे आती है, बर्फ गिरे तो नीचे उन टपकती है, ऊपर नीचे धुआं तो नहीं गई ऊपर टपके रही। चरणों में गिरने से बाप चीज मिलती है, उनके भेद में जो ऐसा तत्व होता है वो मिलती है सेवकों को। तो छोटे बड़े भाई बड़ा क्यों बढ़ते हो, वो उसमें गिरने ही पैर इनमें पैर छोटी उंगली पैर इनमें पैर ही उंगली गिरना रही मुझे तो देखा था रास्ता मिल जाए दूसरे को भी रास्ता मिल जाए यूं और यूं करे तो लड़ेगी भैया ए मोटा काम है समझे बेटी पर छोटे पर। इस वजह नानक नन्ना हो रहे हो, नानक नन्ना हो रहे हो, जैसे जल्दी दूब और घास चल जाएंगे दूब खूब की खूब समझे नन्ना नानक नन्ना हो रहे हो, जैसे धूप होती है तो और घास चल जाए धूप खूब की खूब जल्दी है नन्ना हो रहे हो। ये बात जैसे नन्नी धूप और घास चल जाएगा धूप खूब की खूब। इस बात भाई नम्रता अच्छी है, और मत देखो, और देखने से खराब होता है। मैंने सेठ जी पूछा तो वहां चित्रकूट में सत्संग हुआ, तो मैंने पूछा सेठ जी बड़ी महामर्स आप हत हो गई, आप कहते हो कि अवगुण किसी का मत देखो, मैं तो अवगुण देखो ऐसा पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, ये पान मसाला खाते हैं, ये नशीली चीजें खाते हैं, तो अवगुण ही अवगुण इकट्ठे हो है हमारे में तो अवगुण कहना ये व्यापार है हमारे क्या करें। तुम निकृत करते हो उसको सामने है, तुम्हें लोभ है, तुम निंदा करते हो, तुम दोष देखते हो, आप क्या देखते हो उसका और कहते दोष देखते हो उससे अपने काम पर चुप हो जाते और उपदेश देने समय विद्वत आती पंडिता ही आती है। अरे आदमी ये दवाई खा ले तो ठीक हो, तुम दवाई खा ले आयुर्वेद जानते हो ना, पढ़ाई करेंगे ना, अखा तू खा ले तू खा ले तू करा ले और तू कर ले माई यहाँ तो और तेज है कर दे कटा दे करो खत्म करो तो क्या करो। तो हाथ जोड़ो मातृशक्ति है भाई, मातृशक्ति है समझे, छोटी छोटी बच्ची भी मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है। सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, माँ का नाम ऊंचा है, सीताराम 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 कहिए। ऐसी है माता, बड़ी आदरणीय पूजनीय है, अन्न देती है पालन करती है। कोई बाबा बैठे हैं आप कई तरह ये जाए तो बाबा जी कुछ खाओगे, कोई संबंध नहीं, कोई जान जान नहीं, अन्नपूर्णा है ये ले लो। एक संत की बात मैंने आपको सुनाई थी, एक बाप बैठे थे अकेले, एक माई आई क्या बाबा जी केला लाओगे, केला दो केला लाई हूँ केला लो, मैया है क्या केला है, हमारे तो बड़ी हलचल हो रही है मन में, तो क्या करा रहे केला क्या हमारे साथ हो रही है। अच्छा बाबा जी मन की पकड़ छोड़ दो अलो केला दे दो। संत कहते हैं कि मामा उपदेश भी देगी केला भी देगी
क्यों बात पकड़ी पकड़ी हलचल होते छोटी फूटी हलचल अब पकड़ो तो हलचल होगी। बाबा जी पकड़ी बात छोड़ दो केले लो खा लो। बोलो गुरु है सब ऐसे पालन भी करे शिक्षा भी दे बचपन में सब चलना फिरना बोलना इन्हें सिखाया अंगुल पकड़ी हमारे चल रही चलना सिखाओ बैठना सिखाओ भोजन करना सिखाओ सब सिखाओ। इस बार पहला गुरु माना माँ सबसे पहला गुरु माँ है। गुरु का गुरु माँ सबका गुरु माँ है। तो गुरु का काम भी करे दाई का भी करे नाई का भी करे धोबी का भी काम करे दर्जी का भी काम करे मैत्रणी का काम भी करे बताओ ऊंचे से ऊंचा शिक्षा देना का नीचे नीचे मैत्रणी इस बात माँ का दर्जा ऊंचा है बड़े से बड़ा नीचे से नीचा सब काम माँ करती है। आज इतनी बातें बना रहता है उधर साथी ही हमारे सब माँ बाप की बताओ तुम कहो धन भेड़ो भी हो मैं माँ बाप कलेजा ठारिया नहीं धूल है या धूल में ये थारे धन है धूल है माँ बाप को राजी नहीं दिखा तो क्या किया तेरे बड़ों की आज्ञा नहीं पाली बड़ों का कहना नहीं पिया जिनके छोटे से छोटे अवस्था को बड़ा बनाया इतना किया अच्छा किया पेट मेरे का दूध अपने शरीर से दूर कर बड़ा किया कपड़ा पहनना आता नहीं धोती यू कर दिया वो खड़े हो जा माँ धोती पहरा हुआ हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं हम जानते हैं आप वो है जैसे हो आप माँ का कीड़ा सब तो उनकी सेवा करो उनकी आज्ञा पालन करो बड़ा फायदा होगा। घर में तो सेवा करते नहीं और लाठी देर गया स्वयं सेवक है हम स्वयं सेवक है हम भी कहते हैं स्वयं सेवक अपने ही सेवक कोरा स्वयं सेवक स्वयं का ही सेवक है। माँ बाप से कोई मेहमान नहीं करता लाठी देव जाने यह ऐसा है स्वयं सेवक है ये बड़े डॉक्टर है बड़े विद्यार्थी सेवा है सेवक सेवा लोग मेहमान करे अब माँ की सेवा करो कौन मेहमान करे बूढ़े बाप की सेवा करो कौन मेहमान करे मेहमान करते ही नहीं सेवक सेवा नहीं होती बाप सेवा करे मेरा काम पड़ा मैं कहते भाई माँ बाप के माँ बाप में तो स्वार्थी है उनकी क्या सेवा करें वैसे स्वार्थी तुम बड़े परमार्थी हो भाई कर्जा तो उतरे ही नहीं दान करते पहले ही कर्जो घणो सिर पर चढ़ियो माँ बाप को बोलो वो तो उतरे ही नहीं सेवा करे कर्जे तो उतारो कम से कम भाई कर्जे तो उतारो पैसा कमाया तो कर्जे उतारो पहले कर्जे से डे माँ बाप हम दान करेंगे हम पुण्य करेंगे हम सेवा करेंगे हम यूं करेंगे यूं करेंगे माँ बाप को पूछे नहीं माँ बाप दादा हिम्मत करो भाई पर वही नहीं करे ये आज की सभ्यता है भाई क्या कहे समाज में ये लाए लगी है काटने रही उसमें कारण एक दहेज भी है छोरियों का दहेज बहुत लगता है क्या करे तो दहेज कम लो तुम लो मत ये तो कर सकते हो लो नहीं ये आज की बात नहीं है और छोरी क्या करे छोरी जन्म ही हमारे पुत्री थी जाता महती ही चिंता कश्मीर पड़े महान भीतर का उन्हें मांग रही हूँ उधार ला कर दे तो सीखा जाए हम तो दे हमारे को दे जब बेटी लेंगे तुम्हारी
अरे माया डरे की बेटी नहीं हो तो शादी सब खत्म करो। ये बात है तो क्या करो, कृपा करो आप। लो भाई अब समय हो गया ज्यादा, और कोई पूछ लो, मेरी बातों में गलती हो तो बताओ, सुधार करो और पूछो, हम ठीक कर रहे हैं। क्या कर शेर जी उत्तर है, सो बढ़िया दियो। जैसे अपने कोई रोग हो जाए, अपना प्यारा है उसमें कोई दोष आ जाए तो अपने दुख होता है, उस दुख दूर करने के लिए करना चाहिए। दूसरों में दुख दूर है, जरा मेरे घर घाव हो रहा है, मेरा ही कुटुंब खराब हो रहा है, वो दुख होकर के दोष करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जून सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम।